प्रशासन से लेकर के जितनी क्रूरता से जनता के साथ जो व्यवहार और जो वोट को वोट परसेंटेज को रोका जा रहा है, तो देखिए इनको ये पता नहीं है कि सरकारें बदलती हैं। इतनी भी क्रूरता से ये जो चुनाव चल रहा है और जनता तो वोट कर रही है, लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के जितनी क्रूरता से जनता के साथ जो व्यवहार और जो वोट को वोट परसेंटेज को रोका जा रहा है, तो देखिए इनको ये पता नहीं है कि सरकारें बदलती हैं, और जब सरकार बदलेगी तब इनको पता चलेगा कि कितना इन्होंने जो लोकतंत्र का ये पर्व है और जनता वोट डालना चाह रही, ये देखिए बीएलओ से पर्चा छेड़ करके पुलिस अधिकारियों ने बदायूं से लेकर के यहाँ मैनपुरी और खासकर हमारे जसवंत नगर में परसेंटेज बोर्ड बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये 40% जैसे हुआ जी। तो इतनी क्रूरता के साथ उन्होंने यहाँ पर जो वोट एजेंट हैं, अभी सैपई थाने में देख आइएगा, वहाँ वोट डालने जा रहे थे लोग, उन्हीं को पकड़ के बैठा लिया। क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। और पता चलेगा जब सरकारें बदलेंगी कैसे निष्पक्ष चुनाव होता है, और इन अधिकारियों को पता फिर चलेगा कि कैसे निष्पक्ष चुनाव होता है। हमने तो आयोग में भी इनकी कंप्लेंट की है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं, ये अधिकारी हैं, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। आदित्य को धरने पर बैठना पड़ गया, शिवपाल जी आदित्य यादव धरने पर बैठ गए हैं, ये नौबत क्यों आ गई, क्या लगता है आपको? जबकि ये वहाँ पर तो देखिए जैसे ही अल्पसंख्यक और खासकर यादव वोट जैसे ही आता है वैसे ही लाठी, और वहाँ पर महिला मुस्लिम महिलाओं के साथ जैसे ही लाठी चार्ज किया है और भगा दिया है, और वहाँ से देखिए